हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो जैसे कि देख सक रहे हो, मेरा पोस्ट राखी मेकअप है, जो कि मैंने करके तो पहले ही रखा था, बट बहुत टाइम लग जाता है ये सारा करने में। सो आज मैं इसको अपलोड करूँगी। सो ये बहुत इंस्टेंट मेकअप जिसको बोल सकती हूँ मैं। मैंने पहले सिरम अप्लाई कर लिया था पहले से, उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करे, जैसे कि आप देख सक रहे हो। सो ये लैक्मे का जो मैं हमेशा से पर्ल वाला जो है शेड, वो मैं यूज़ करती हूँ, जो फेयर स्किन के लिए बहुत ही बेटर होता है और बहुत ही स्मूथ लुक देता है। सो ये मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने तो सीरम अप्लाई कर लिया था, जो मैं इसमें नहीं दिखा पाई। मैं फेस वॉश जब की उसके बाद ही मैंने अप्लाई कर लिया था, तो अराउंड 2 या 3 मिनट रुकने के बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई की, ताकि केकीनेस ना नज़र आए। सो उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, जो कि है ह्यूडा ब्यूटी का। सो ये मैं अंडर आई दे रही हूँ, नोज़ के ऊपर दे रही हूँ, फोरहेड में और चिन के ऊपर, फिर अपर लिप में और चिन पर दूंगी। सो ये सारा हाईलाइट पोर्शन होता है, ये फेस का सबसे हाईलाइटेड एरिया होता है। सो यहाँ पे मैं अच्छे से दे रही हूँ। तो आप इसे अपने आईज़ के ऊपर भी अच्छे से ये कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो। मैंने ये लाइट मेकअप किया था बोलकर मैं ज़्यादा मतलब जैसे ऊपर मैंने आँख के ऊपर नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मैं आई शेडो नहीं लगाने वाली थी। सो मैंने हल्का ही लाइट मेकअप रखा था। सो एक्चुअली राखी के दिन सुबह में बहुत ही धूप था, सो मेरे को बाहर भी जाना था, बाहर इन द सेंस भाई लोग के यहाँ जाना था। सो मैंने ज़्यादा लो वो जो होता है ना, हैवी मेकअप नहीं किया मैंने। सो ये मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और ये मस्कारा मैं इवन अपने ब्रोज पे भी अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैंने बोला इंस्टेंट के लिए, तो ये सबसे बेस्ट होता है। ये ब्लू हेवन का मस्कारा है, जो कि मैं अपने आई लैशेस पे भी अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही साथ ब्रोज पे भी अप्लाई कर रही हूँ, ताकि इंस्टेंट भी हो जाए और अच्छा सा उसका जो बोलते हैं कि लेंथीनेस आ जाए। सो यहाँ पे मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और ये लिप लाइनर मरून कलर का है। सो इसको मैं पहले अंडरलाइन करूँगी और लिप लाइनर को ही एज अ लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। और ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप समर में मेकअप कर रहे हो तो लिप लाइनर को एज अ लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ही मैट लुक देता है। सो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट डन है। सो यहाँ पे मैं अब अप्लाई करूँगी आई लाइनर, जैसे कि देख सक रहे हो। तो यहाँ लाइनर आप आई शेडो, जैसे मेरे ड्रेस के साथ हल्का गोल्डन कलर था मेरे ड्रेस में, तो आप आई शेडो में गोल्डन का हल्का टचअप दे सकते हो, तो अगर हैवी करना होता तो मैं यहाँ पर लाइट कर रही थी बोल के मैंने कुछ भी आई शेडो में नहीं अप्लाई किया, बट गोल्डन अच्छा लगता। सो यहाँ पर मैं एक लाइट हल्का सा लाइनिंग दे रही हूँ आई लाइनर की। तो यहाँ पे मैं पहन लेती हूँ अपनी ईयरिंग्स। सो ईयरिंग्स भी मैंने हल्का झुमका टाइप में दिया था, और हेयर का मेरे को हेयर स्टाइल कुछ भी आइडिया नहीं है उतना, थोड़ा बहुत जैसे मेरे को मैसी थोड़ा चाहिए होता है हमेशा ही, तो मैं मैसी दे रही थी। तो ये मेरा रहा फाइनल लुक। सो गाइस, कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताना, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।